ध्वज से राष्ट्र ध्वज होने की लंबी यात्रा। केसरिया सफेद और हरे रंग की पट्टियों से बना ध्वज, जिसमें बीच वाली सफेद पट्टी में नीले रंग का अशोक चक्र होता है, यही हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा है। हालांकि हम तिरंगा को जिस रूप में देख रहे हैं, इसका यहां रूप प्रारंभ से नहीं है। अलग अलग समय में बदलावों से होते हुए इसका यहां स्वरूप सामने आया, जिसे संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में मान्यता दी। एक ध्वज के राष्ट्रध्वज बनने तक की यात्रा। चलिए दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विनोद कुमार यादव और मेरे चैनल सीजी फैक्ट्री में आपका स्वागत है। अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान देश में ऐसा कोई ध्वज नहीं था जो सभी को एक साथ जोड़ सके। सन 1905 में बंगाल विभाजन के बाद इसकी आवश्यकता का अनुभव हुआ। इसके साल भर बाद 1906 में पहली बार देश का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ध्वज सामने आया। 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के ग्रीन पार्क में इसे फहराया गया था। इस ध्वज में हरे, पीले और लाल रंग की पट्टी थी, जिसमें बीच वाली पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था। ऊपर हरी पट्टी थी जिसमें 8 सफेद कमल बने थे और नीचे लाल पट्टी में सूर्य और चंद्र की आकृति अंकित थी। क्रांतिकारी सचिंद्र प्रसाद बोस ने इसे तैयार किया था। ध्वज से राष्ट्रध्वज होने की लंबी यात्रा में 1907 में पहली बार विदेश में फहरा भारत का झंडा। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने 1907 में जर्मनी में दूसरे इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत के प्रतीक के तौर पर एक क्रांतिकारी झंडा फहराया था। उस ध्वज को क्रांतिकारी हेमचंद्र दास ने बनाया था। इसमें ऊपर केसरिया, बीच में पीले और नीचे हरे रंग की पट्टी थी। पिछले ध्वज से ज्यादा बदलाव नहीं किया गया था। ध्वज बदलने की अगली यात्रा में 1917 में होम रूल आंदोलन में आया एक नया झंडा। 1916 से 1918 के बीच चले होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1917 में एक ध्वज तैयार किया था। यहाँ पहले के 3 रंगों वाला ध्वज से अलग था, इसमें लाल और हरे रंग की पट्टियाँ थी। साथ ही एक कोने में ब्रिटिश ध्वज की प्रतिकृति भी बनी हुई थी। ध्वज बदलने के अगले पड़ाव पर 1921 महात्मा गांधी के सुझाव पर बना था। महात्मा गांधी के सुझाव पर 1921 में पिंगली वेंकैया ने चरखे वाला तिरंगा बनाया था। इसमें ऊपर सफेद, बीच में हरा और नीचे लाल रंग था। इसमें बीच में एक चरखा बना था जो ऊपर और नीचे वाली पट्टी तक फैला था। इसमें चरखा आत्मनिर्भरता, प्रगति और आम आदमी का प्रतीक था। इसे स्वराज्य ध्वज, गांधी ध्वज और चरखा ध्वज जैसे नाम भी दिए गए थे। अगला पड़ाव 1931 ध्वज कमेटी ने बदला रंग। 1931 में कराची में 7 सदस्यीय ध्वज कमेटी गठित की गई। इस कमेटी ने ध्वज को नया रंग और डिजाइन दिया। इसमें लाल के स्थान पर केसरिया रंग का प्रयोग किया गया। रंगों का क्रम भी बदल दिया गया था। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरे रंग को रखा गया था। बीच में सफेद पट्टी पर चरखा बना था। ध्वज बदलने के आखिरी एवं अगले पड़ाव 1947 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद तिरंगा बना था। सन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से भारत को स्वतंत्र किए जाने की घोषणा के बाद स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रध्वज की बात सामने आई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्रध्वज का डिजाइन तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई। व्यापक विमर्श के बाद ध्वज का वर्तमान स्वरूप सामने आया, जिसमें चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को रखा गया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया, जिसे हम अब तिरंगा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हमारे तिरंगा की ध्वज से राष्ट्रध्वज होने की लंबी यात्रा रही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।